नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे न्यूज में। नारायणपुर धौड़ाई पुलिस ने महज एक दिन के भीतर सुलझाई अपहरण की गुत्थी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नारायणपुर मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर थाना धौड़ाई, जो कि ओरछा मार्ग पर है, बता दें कि 20 को प्रार्थी संतोष कश्यप के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि थाना धौड़ाई में अपहरण की सूचना मिलने पर थाना निरीक्षक के द्वारा गंभीरता से लेते हुए अपहरण की हुई बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे ऐसी कार्यवाही करते हुए समस्त टीम को अपहरणकर्ता के पीछे लगाया गया। टीम ने अपनी मेहनत व बच्चे की जान को ध्यान में रखते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी कर धर दबोचा गया। मैं नरेश देशमुख, निरीक्षक थाना प्रभारी धौड़ाई। कल दिनांक को थाने धौड़ाई में प्रार्थी संतोष कश्यप निवासी धौड़ाई करीबन 8-10 बजे आके सूचना दिया कि इसके नाबालिग बच्चे प्रशांत कश्यप उम्र 6 वर्ष को सुख सागर नाम का व्यक्ति लेकर गया है और जो अभी तक वापस नहीं आया है। उसे उसके जिस संबंध में उसने उससे पूछताछ भी की, किंतु उसने कोई जानकारी नहीं बताया। जिस संबंध में उसने थाने पर आकर नामजद रिपोर्ट लिखाई कि मेरे बच्चे को ऐसा लग अपहरण की शंका पे रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिस पर थाना पुलिस द्वारा तत्कालिक कार्रवाई करते हुए पतासाजी की गई और बच्चे को बरामद करने का प्रयास किया गया, जिससे आरोपीगण डर के बच्चों को छोड़ दिए। जो बच्चे ने आके बताया कि गांव के ही कुछ लोग उसको उठा कर ले गए थे और डराए धमकाए कि घर में किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुमको मारेंगे। तो इस प्रकार मामला 363 का अपराध पंजीबद्ध किया कर जांच में लिया गया है। वर्तमान में सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इनके खिलाफ 363 का अपराध वर्तमान में पंजीबद्ध कर लिया गया है। आगे जिस भी विधि पूर्वक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। इसमें जो बताया नाबालिग हैं, हाँ, उनकी उम्र के संबंध में अभी तस्दीक की जा रही है। संभवतः वो नाबालिग